हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने नए डॉग्स के बारे में। ये शकीरा है, ये फेमस VA1 BAZS डॉग यान वॉर्म क्लेन जॉबर की डॉटर है। ये अब 6 मंथ्स प्लस की हो गई है। इसने अभी रिसेंटली रोहतक डॉग शो के अंदर VVP3 भी जीता है, उसके बारे में मैं आपको अभी बाद में बात करूँगा। शकीरा की मूवमेंट्स बहुत फाइन है, जस्ट लाइक हर फादर। इसके जो फादर है, लगातार 2 साल से 2019, 20 एंड 21 BAZS में विन कर रहे हैं। 20 और 21 में इसका फादर VA1 BAZS बना था, 20 में भी एंड 21 में भी है, लगातार 2 साल। और वो सेम मूवमेंट इसके अंदर है, बड़ी स्मूथ भागती है। जब ये रन करती है, बहुत स्मूथली रन करती है। इसकी एनाटॉमी भी अगर आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत है। इसकी पिक्चर्स मैं लास्ट में डालूंगा इस वीडियो के, जो इसने शो में विन किया है, तो उसमें इसकी टैग फोटोग्राफ्स एंड ऑल। अभी इस मूड में नहीं है क्योंकि खेलने के मूड में है ये ज़्यादा, क्योंकि अभी है छोटी सी बच्ची ही है ये। इसके साथ मैंने एक और डॉग लिया है, उसके बारे में भी मैं आपको भी बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी सेकेंड फीमेल के बारे में। वो भी तकरीबन 6 मंथ्स की हो गई है। वो है ये पनीनो, वो भी VA1 डॉग है, सर्बिया का बड़ा फेमस डॉग है। लोग उसके हेल्थ प्रोफाइल की वजह से लाइक करते हैं। ही हैज गॉट अ वेरी बिग हेल्थ प्रोफाइल, तो वो हमें इस फीमेल में देखने को मिलता है। बैठो ना, कम गई है आपस में, थोड़ा सा उसको जख्म कर दें, बट वो ठीक हो गया। उसको काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है। ये है मेरा थर्ड डॉग, इसका नाम है बेंजो वॉर्म हुनेग्रैब। ये वर्ल्ड के बेस्ट कैनल से आया है, जर्मनी से, हुनेग्रैब कैनल से। इसके जो फादर हैं वो V12 BAZS इबोर वॉर्म हुनेग्रैब हैं। इसकी मदर एफ्रा वॉर्म हुनेग्रैब, वो भी SG30 है BAZS में। और ये लेजेंडरी डॉग स्पेंसर डी कासा मेसेराली, जो इस साल का VA6 BAZS है, ये उसका ग्रैंडसन है। इसके बारे में बताऊं तो ये जर्मनी से सर्बिया में गया और वहाँ पर ये VV1 लग चुका है, ये SG1 भी लग चुका है। और रिसेंटली अभी ये इंडिया में आने के बाद इसने रोहतक में SG1 लगाया, रोहतक में भी SG1 लगाया है। ये 14 मंथ्स का डॉग है। अगर आप इसकी प्रोफाइल देखें, आप यहाँ से एक बार ऐसे लो तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा आएगा इसका हेड प्रोफाइल। इसका पूरा फुल ब्लैक मास्क में है। इसका फर अगर आप देखोगे तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा शेड है इसके फर का। और इसका मूवमेंट, ये जस्ट ही इज़ जस्ट लाइक अ फ्लाइंग मशीन। ये भागता है, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा, भागता बहुत स्मूथली है, जस्ट लाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। बहुत स्मूथ एनाटॉमी है इसकी, बड़ी स्मूथ। अगर आप इसको, मैं आपकी इसकी स्टैक की पिक्चर डालूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी एनाटॉमी बड़ी क्लीन है। ये है बेंजो और ये है बेंजो की फर्स्ट इंडियन ट्रॉफी SG1। बेंजो ने फिलहाल ही रोहतक शो में ये जीती है। वहाँ पर बेंजो ने बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया बाकी डॉग्स को, क्योंकि वहाँ पर कई इम्पोर्ट और इंडियन चैम्पियन डॉग्स भी आए थे। हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बेंजो इतना अच्छा करेगा, क्योंकि ये फ़िलहाल ही इंडिया आया है, यहाँ का एटमोसफेयर अडॉप्ट करने में इसको भी टाइम लगेगा। बट टचवुड, इसने बहुत अच्छे से हमसे फ्रेंडशिप किया, इवन हमसे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत एक्टिव है ये, और स्ट्रॉन्ग भी है। इसको रन करना बहुत पसंद है और सबसे अच्छी बात है ये हमसे बहुत अच्छे से घुल मिल गया है और हम लोग भी। और ये है हमारी शकीरा, और ये भी शकीरा की पहली ट्रॉफी है VVP3। शकीरा भी पहली बार किसी शो में गई थी वहाँ पर रोहतक में, और वहाँ पर भी इसने 13 डॉग्स में से 3rd पोजिशन ली है। और ये बहुत नोटी है, बहुत शैतान है, और साथ ही इसको बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अभी मैंने इसे बहुत मुश्किल से यहाँ पर बिठाया है, अदरवाइज ये बैठने वालों में से नहीं है। Thank you.
Thank you.